नमस्ते, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये ब्लॉग है दिवाली के एक दिन पहले का, छोटी दिवाली के दिन का ब्लॉग है। तो सब घर में साफ़ सफाई हो चुकी थी और शाम के 3 के करीब बज रहे थे, मैं नहाई भी नहीं थी और सब साफ़ सफाई, क्योंकि दादा की तबीयत की वजह से बहुत लेट हो गया था। तो बस किचन रह गया था और किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, मैंने सब साफ करके सिर्फ प्लेटफॉर्म रह गया था, तो इसको मैं ब्रश से बस धोने लगी थी। और देख सकते हैं आप, डिब्बे वगैरह धो के पोंछ के लगा दी हूँ और कंटेनर जितने थे, जो स्टैंड था, सब मैंने धो दिया था, तो बाहर था तो ये सब धोने लगी थी। और थोड़ा सा नाश्ता सुबह में कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला है, तो इस वजह से। और देख सकते हैं आज से भी, आज छोटी दिवाली है। बहुत सारी तैयारी करनी थी लेकिन काम की वजह से नहीं कर पाई थी। मैं यही सोच रही थी कि पहले ये सब किसी तरीके से ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आगे के काम करूँगी। और ये देख लीजिए, ब्रश से साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ कपड़ों से इसकी अच्छी सफाई की है, क्योंकि ना खाना बनता है प्लेटफॉर्म पे, तो खाना नहीं बनाते लेकिन खाने रखते हैं और दिन भर को कटिंग वगैरह जो करते हैं। तो इसलिए ये टाइल्स बहुत दिनों की हो गई है, तो इसमें बहुत से काले काले जैसे जो भी कुछ भी होता है तो काला पड़ जाता है और दाग धब्बे हो जाते हैं। रोज़ पोंछा जाता है लेकिन गंदगी हो ही जाती है, और जो खिड़की से जो डस्ट वगैरह आती है उससे भी बहुत ज़्यादा धूल प्रदूषण पड़ जाता है। तो गांव के घर हैं, कितनी भी आप साफ सफाई कर लो लेकिन गंदगी रहती ही है। लेकिन किचन को इतना पाक और पवित्र माना जाता है कि किचन से ज़्यादा साफ कोई कुछ भी ना हो। और मेरे लिए तो मैं सबसे ज़्यादा, मैं बीमार भी हूँ, कितनी भी परेशानी होती लेकिन मैं अपने किचन को बहुत क्लीन रखती हूँ, ताकि कोई भी आपके घर में आए तो आपके किचन की क्लीनिंग देख के उसका मन हो आपके घर के पानी और खाना को खाने की। तो इसी वजह से मैं लग गई हूँ अपने काम में। दोस्तों इतनी थकान से फील हो रही थी क्योंकि आज मैंने 2-3 कमरे एक साथ ही साफ कर दिए थे, और सबसे लास्ट में बारी आई थी किचन की, और इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करने, और वाकई में साफ करने के बाद मेरी किचन इतनी ज़्यादा क्लीन हो गई थी कि मेरी आंखों पे भरोसा नहीं था कि मैंने वाकई में इसे इतना अच्छा क्लीन कर दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ जो फर्श है ये टूट गया है, मतलब एक दो बार इस पर बनाया गया लेकिन फिर भी टूट जाता है, निकल ही जाता है क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको बने हुए। तो मैं हर बार जो है पोंछ के इसे साफ़ कर देती हूँ, और जब भी कोई काम वाम लगेगा घर में बहुत सारे काम टूटे फूटे हैं, तो जब भी काम लगेगा, मिस्त्री वगैरह लगेंगे, तो इसको बनवा दिया जाएगा। तो अभी कोई सहयोग नहीं बन रहा है, और अक्सर कुछ चीज़ें मौके से ही होती, जैसे शादी ब्याह हुआ या कोई मौका पड़ गया तो ही चीज़ें बनती हैं। तो लोगों को यही लगता है कि जब मेरी शादी होगी तो जो है जो काम घर में बाकी हुए हैं इसको भी बनवा दिया जाएगा, तो वो शुभ घड़ी आ ही नहीं रही है। बहुत ईश्वर की जब दया होगी, जब मौका लगेगा तभी आएगी, तो फिर ये लोग बनवा लेंगे। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो है जब से चीज़ें नहीं बन रही हैं जैसे भी हैं, तो इसे जो है उस तरीके से बना दिया जाए और साफ़ सुथरी हो जाए, क्योंकि रोज़ हम इसमें खाना बनाते हैं, तो जिसमें हम इसको अच्छे से ही रखना चाहते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है। और अच्छा नहीं लगता क्योंकि फ़र्श टूटा हुआ रहता है तो बहुत गंदा लगता है, लेकिन फिर भी मैनेज किया जा रहा है वक्त के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार ही चीज़ें बनती बिगड़ती हैं। अच्छा वक्त बुरा वक्त आता जाता रहता है, तो इस समय परिस्थिति थोड़ी सी डाउन चल रही है। घर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं और बन भी नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ ही जाती है हमारे परिवार में कि काम नहीं बन पा रहा है, कोई किसी की परेशानी, कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई ऐसे काम काज नहीं हो पा रहे हैं। तो लड़की और कोई भी महिला हो अपने घर को वो किसी भी माध्यम से लेकिन हमेशा सुरक्षित और साफ ही रखती है, और कोशिश यही लगती है उसकी कि सब अच्छे से हो जाए, कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ देख लीजिए फर्श प्लेटफॉर्म सब चिकना एकदम साफ़ करना चाहा, और बहरहाल मेरी कोशिश कामयाब रही है। और देखिए मेरे कपड़े कितने गंदे हो रखे हैं, सुबह से जो है मैं इतना काम कर रही हूँ, और पहले ही सब सारी साफ़ सफाई हो जाती, लेकिन मजबूरी यही थी कि नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने दिनों से दादा की वजह से ही मेरा सारा काम रुक गया था उनकी तबीयत की वजह से। तो फाइनली किचन का लुक मैं दिखा रही हूँ, देख रहे हैं आप लोग एकदम चमक गया है किचन, एकदम साफ सुथरे सारे अलमारी सब कुछ। अब पेपर भी नहीं थे तो बच्चों की बुक वगैरह नोट्स वगैरह जो खाली रद्दी पड़ी थी वही सब लगा के चमका दिया। ये देख लीजिए प्लेटफॉर्म भी मैंने चमका दिया है दोस्तों,
कोई भी काम अगर आप दिल से करना चाहोगे तो ज़रूर पूरा होगा, और मेरी तो यही उम्मीद थी कि ज़रूर हो जाए। देखिए यहाँ इसको भी मांज धो के एकदम साफ़ कर दिया, फर्श भी चिकना दिया है एकदम, पोछा वगैरह कर दिया। उसके बाद अब जाऊँगी मैं अपने बेडरूम में झाड़ू लगाने। बेडरूम की साफ़ सफ़ाई नहीं हुई थी, झाले वगैरह झाड़ दिए थे, तो मैंने कहा कि इसको मैं बाद में कर लूँगी, आज मैं इसमें झाड़ू मार देती हूँ। अगर कल टाइम मिला तो ज़रूर कर लूँगी, नहीं तो फिर बाद में किया जाएगा। अगर जितने भी घर थे सारे घरों की साफ़ सफ़ाई कर ली, सिर्फ अपने कमरों की साफ़ सफ़ाई अभी बाकी थी। फिर भी झाले वगैरह मैंने झाड़ ही दिए थे और कपड़े वपड़े धो ही दिए थे। बस इसमें यही था कि जो है अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। मैंने कहा चलो जब टाइम मिलेगा तो कर लूँगी, जब नहीं टाइम मिला तो क्या ही करूँ, बस परेशानियाँ मुझे घेरे हुए हैं, वक्त ही नहीं मिल रहा है कि चीज़ों को अच्छे से कर लूँ। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की और सारे घर की साफ़ सफ़ाई कर दी, दिवाली पर ही तो करते हैं, तो फाइनली सारी साफ़ सफ़ाई हो गई है अपने घर में। मेरा घर तो वैसे भी साफ़ ही रहता है, बस थोड़ा बहुत गंदगी रहती है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि इसको साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ताकि मुझे ये मन में ना चले कि यार कहीं गंदगी या कूड़ा रह गया दिवाली के दिन, माता लक्ष्मी को बुरा लगेगा, भगवान का संयोग बनता है उस दिन। तो सारे काम वाम करके यहाँ आ गई हूँ रेस्ट करने, शाम के 5 बज रहे हैं। तो यही मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।